और उस वक्त वो एक मुख्य चेहरा भी थे जब ये गठबंधन 25 साल पुराना टूट रहा था। बिहार में चुनाव होने वाले हैं, उन्हें सिला मिला है महाराष्ट्र का। लेकिन उससे पहले विज्ञान भवन पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। शपथ ग्रहण समारोह से पहले ये उनका आखिरी कार्यक्रम है। विज्ञान भवन की तस्वीरें आप देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर मौजूद हैं और इसी के बाद फिर वो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आगे बढ़ेंगे। 45 जोड़ लीजिए 22 हो गए 67। अब 67 मंत्रियों के साथ आगे बढ़ेंगे अपना कारवा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। उन्हें सम्मानित किया जा रहा है विज्ञान भवन में। लेकिन इसी के साथ जिस तरह से मंत्रिमंडल का विस्तार प्रधानमंत्री कर रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती उनके सामने भी कि उन्हें एक ऐसी टीम बनानी है कि जो अच्छे दिन के सपने दिखाए हैं उसमें जरा 10 कदम तो आगे बढ़े ये सरकार। वो चुनौती सबसे बड़ी संकट नहीं तो अवसर। मुझे लगता है एक तरह से अंजना इस पूरे शपथ ग्रहण से एक बात साफ है कि जिस तरह से इस सरकार में टैलेंट की अभाव है, उतने टैलेंटेड मंत्री नहीं है। क्यों आपको अरुण जेटली को रक्षा मंत्रालय भी देना पड़ा और वित्त मंत्रालय भी देना पड़ा? प्रकाश जावड़ेकर को तो आपने 3 मंत्रालय दे दिए, यानी वो एनवायरमेंट मिनिस्टर जो एक महत्वपूर्ण कार्यालय था, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग और पार्लियामेंट्री अफेयर्स। निर्मला सीतारमण को आपने कॉमर्स और इंडिपेंडेंट चार्ज दे दिया और एमओएस बना दिया, कॉर्पोरेट अफेयर्स हैंडल कर रही थी। तो कहीं ना कहीं टैलेंट डेफिसिट है इस सरकार में और ये मुझे लगता है आज के इस मंत्रिमंडल विस्तार से कुछ हद तक मुझे लगता है एक 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 जो एक वीकनेस थी, एक कमी थी इस सरकार में, उसको भरने की कोशिश हो रही है। ठीक है, सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां बोलने वाले हैं। सभी वरिष्ठ महानुभाव, और एकनाथ जी की प्रेरणा से जीवन में कुछ न कुछ करने की जिन्होंने ठान के रखी है और करते रहते हैं, ऐसे सभी उपस्थित वरिष्ठ महानुभाव, मेरे लिए बहुत सौभाग्य का ये अवसर है कि जिस महापुरुष को बचपन में हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में देखते थे, जिनके साथ छोटी आयु में कार्य करने का सौभाग्य मिला था, जिनकी सोच हर पल कुछ न कुछ नया सिखा करके जाती थी, ऐसे महापुरुष के शताब्दी पर्व के उद्घाटन समारोह में उन्हें प्रणाम करने के लिए आने का, श्रद्धाभाव अभिव्यक्त करने का अवसर उन्हीं के चरणों में जिसने अपने जीवन का महत्वपूर्ण समय बिताया था उस व्यक्ति को मिले तो वो कितने बड़े गर्व की बात होती है आप अंदाज कर सकते हैं। यहां पर बहुत लोग होंगे जिनका एकनाथ जी के साथ स्वाभाविक संपर्क आया होगा, मेरा भी एकनाथ जी के साथ बहुत ही निकट संपर्क रहा। और मैंने हमेशा पाया कि वो परफेक्शन के संबंध में इतने आग्रही रहते थे कि कभी कभी उनके साथ काम करने वालों को भी अपने आप को उस लेवल पे ले जाने में बहुत कठिनाई महसूस करनी पड़ती थी। जब विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर स्वामी विवेकानंद जी की प्रतिमा कैसी हो उसका निर्णय हो रहा था और उन चर्चाओं को मैंने भी सुना था, विवेकानंद जी की आंख किस तरफ देखें
और उस आंख से क्या दर्शन हो, इतनी बारीकी से वे शिल्पकारों के साथ, उस चित्र बनाने वालों के साथ चर्चा करते थे। जब शिला स्मारक बन रहा है तो सामुद्रिक हवा, उसका अपना एक स्वभाव रहता है, उन पत्थरों का चयन किया जाए ताकि सदियों तक उस सामुद्रिक जो सॉल्ट एडेड एयर रहती है उससे उसको कोई खरोच ना आए। उन पत्थरों का सिलेक्शन कैसे करें, बनाने के बाद भी उनको लगा कि नहीं नहीं, आधुनिक टेक्नोलॉजी का कैसे उपयोग किया जाए, तो वो कौन सा केमिकल हो सकता है कि जिसको कुछ वर्षों के बाद अगर लगा लिया जाए तो फिर उसको सुरक्षित रखा जा सकता है, जबकि ये कोई उनके विषय नहीं थे, नहीं वो इंजीनियर थे, नहीं वो आर्किटेक्चर थे, लेकिन ये उनके उनकी एक विशेषता थी कि जो भी करें स्थायी भाव से करें, जो भी करें भविष्य को ध्यान में रख करके करें, जो भी करें सहज सरल उपयोगी हो, उन बातों को लेकर के वो हमेशा योजना करते थे। और ये विचार उनके मन में आना कि कोई काम करें तो जन भागीदारी से करें, शायद हिंदुस्तान में ये पहला ऐसा इनिशिएटिव था जिसमें जन भागीदारी का इतना बड़ा व्यापक आयोजन था और समर्थन था। हिंदुस्तान के 40 साल के ऊपर के किसी भी व्यक्ति को पूछोगे तो बहुतेक लोग ऐसा बताएंगे कि हाँ भाई, मैं भी उस समय विवेकानंद रॉक मेमोरियल बनाने के लिए 1 रुपया मैंने भी दिया था। इस देश के 40 से ऊपर की उम्र के लोग आज भी स्वामी विवेकानंद का वो रॉक मेमोरियल देखेंगे तो वहां जाते उसको लगता है हाँ भाई, इसमें मैं भी हूं, मेरा भी कुछ योगदान है। हिंदुस्तान के हर कोने में ये भाव जगाना कि शिला स्मारक भले कन्याकुमारी के समुद्री छोरों के बीच क्यों न हो, लेकिन मैं चाहे नॉर्थ ईस्ट हूं, चाहे मैं पश्चिमी भारत में हूं, चाहे उत्तरी भारत में हूं, या मैं विश्व के किसी कोने में रह रहा हूं, लेकिन इस काम में मेरा भी योगदान है, मैं भी जुड़ा हूं, ये संस्कार, ये एक इमोशनल अटैचमेंट। सिर्फ रुपयों का काम होता तो शायद वो 50 लोगों से डोनेशन ले सकते थे। उनके दूसरा कौशल्य देखिए, इस देश में उस कालखंड में जो राजनीतिक माहौल था वो एकनाथ जी के काम को और उसको अनुमोदन करने को सराहना करने वाले नेचर का राजनीतिक वातावरण नहीं था। एक प्रकार से उस समय का राजनीतिक जो एस्टैब्लिशमेंट था वो इस प्रकार की प्रवृत्तियों को अपना राजनीतिक विरोधी खेमे के रूप में देखती थी, वैसा माहौल था। लेकिन एकनाथ जी ने, हिंदुस्तान का उस समय का कोई मुख्यमंत्री ऐसा नहीं होगा, कोई गवर्नर ऐसा नहीं होगा, केंद्र का कोई ऐसा मंत्री नहीं होगा जिसके यहां जाकर के दरवाजे पर दस्तक न दी हो। एक एक के पास खुद गए, शिला स्मारक की योजना बनाई, और शायद हिंदुस्तान का कोई राज्य ऐसा होगा जिस सरकार ने सरकार की तरफ से इसमें डोनेशन देकर के हिस्सेदारी न की हो। यह काम छोटा नहीं है, यानी अगर उम्दा उद्देश्यों को लेकर के चलें तो किसी भी राजनीतिक विचारधाराओं से प्रभावित लोगों को भी अच्छे काम के लिए जोड़ा जा सकता है। और इसलिए एकनाथ जी के हर कार्य के मूल बिंदु में एक भाव रहता था, जोड़ना। हर व्यक्ति, हर प्रकार के
हर प्रकार की चीज को जोड़ना। वे भूतकाल को भविष्य के साथ भी जोड़ने में लगे रहते थे, वे विपरीत विचारधाराओं को भी जोड़ने में लगे रहते थे, और उनके इस व्यक्तित्व के कारण 1975 में जब आपातकाल आया, संघ परिवार के लोग, लोकतंत्र में विश्वास करने लोग सारे जेल में थे, लेकिन एकनाथ जी उस समय शासन में बैठे हुए लोगों के लिए भी बातचीत करने का एक अच्छा माध्यम बने हुए थे। ये बात शायद उतनी प्रकट नहीं हुई है। जिस प्रकार से विनोबा जी भावे उस समय आपातकाल में श्रीमती इंदिरा गांधी के लिए एक जगह बने थे, वहां जाते थे, और विनोबा जी का उनको थोड़ा एकाध भाग के काम में भी आ गया था, लेकिन एकनाथ जी नारडे पूरी स्थितियों में से बाहर कैसे निकला जाए, किन किन लोगों से विचार विमर्श किया जाए, शासन में बैठे हुए लोगों को एकनाथ जी पर भरोसा है, उनसे बात की जा सकती है, और एक महत्वपूर्ण भूमिका, क्योंकि उन दिनों में मैं उनके साथ काफी समय रहा था, मैंने इसको, उनके इस कार्य को बड़े निकटता से देखा था। क्योंकि वह सबको लगता था कि एकनाथ जी को भी कभी अरेस्ट कर लेंगे, एकनाथ जी को भी जेल में डाल देंगे, लेकिन उनके इस व्यक्तित्व के कारण वे एक प्रकार से उन दिनों में माहौल और ज्यादा न बिगड़े, समस्या के समाधान के रास्ते खोजे जाए, इसमें अहम भूमिका एकनाथ जी रानडे ने निभाई थी। लेकिन स्वयं प्रचार प्रसिद्धि से दूर रहते थे, अपने काम में डूबे रहते थे, इसलिए इन बातों को कभी उनकी तरफ से उजागर नहीं किया गया। व्यक्ति की पहचान और व्यक्ति की खोज, यह उनकी विशेषता रहती थी। एक बार उन्होंने कहा कि मैं फलाने फलाने ट्रेन से आ रहा हूं, तुम रेलवे स्टेशन पर आ जाओ, और वहीं स्टेशन पर नजदीक में कहीं स्नान वान करके मेरे साथ तुम माउंट आबू चलो। तो मुझे मालूम नहीं था क्या काम है, कैसा है, अच्छा इतना। अब मैंने देखा कि उनको कोई रिजर्वेशन नहीं मिला था, तो वो उस समय शायद थर्ड क्लास रहता था ट्रेन में, तो ऐसे ही शायद बैठ करके आए होंगे, बड़े थके हुए नजर आ रहे थे। मैंने कहा थोड़ा आराम कीजिए। नहीं नहीं बोले, आबू पहुंचना है, तुम चलो मेरे साथ। वही स्टेशन के पास एक जगह पर स्नान वान हो गया, हम चल दिए। रास्ते में मैंने पूछा कि ये क्या आप एकदम से निकले हो, क्या हो? तो रामकृष्ण मिशन के एक स्वामी जी, जो रामकृष्ण मिशन से अलग होकर के अपना आबू में रह करके साधना वगैरह करते थे, अपना एक अलग से जीवन व्यतीत करते थे, वो उनको मिलना चाहते थे। हम गए और मैंने देखा कि उन्होंने जिस श्रद्धा से उनको प्रणाम किया, हम तो एक स्वयंसेवक के रूप में उनके पास थे, हमारा तो कोई रोल ही नहीं था, लेकिन चीजों को देखने का, ऑब्जर्व करने का अवसर था। और वो उनको आग्रह करने लगे कि ठीक है, अब आप रामकृष्ण मिशन की व्यवस्था से बाहर हुए हैं, अलग से काम कर रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा काम है, आप विवेकानंद शिला स्मारक की व्यवस्था से जुड़िए, और आपकी जो तपस्या है देश के युवाओं को प्रेरणा दे, उसके लिए काम लगाइए। यानी माउंट आबू पर बैठे हुए एक इंसान को अपने काम से जोड़ने के लिए इतना परिश्रम उठा करके आना, और 3 दिन रुक करके हर आधे पौने घंटे के बाद फिर सिटिंग होना, फिर 2 घंटे के बाद फिर बैठना, फिर बात करना, फिर खुलेपन से चर्चा करना, पूरी तरह परसू करते रहना। मैं देख रहा था कि एक काम के लिए, और जो एक राज्य के लिए कहा जाता है 1 लाइफ 1 मिशन, वो जी करके दिखाया था उन्होंने। उस काम की सफलता के लिए लोग कैसे मिले, और उन्होंने जब देश के युवा धन को राष्ट्र निर्माण में लगाने के लिए जो कल्पना की, और युवकों का आह्वान किया कि अगर आप स्वामी विवेकानंद में श्रद्धा रखते हैं
तो जी करके दिखाइए। हमें स्वामी विवेकानंद अच्छे लगे इतने से बात बनती नहीं है। उन्होंने भारत माँ का जो रूप देखा है, जो कल्पना की है, उसको चरितार्थ करने के लिए हमारा भी तो कोई योगदान होना चाहिए। और इस बात को लेकर के वो लगे रहते थे, बहुत ही आग्रह से उस काम को करते थे। और देश के युवाओं में चेतना जगह, और मैं देख रहा था क्योंकि उस समय जब गुजरात में इस प्रकार के युवकों का साक्षात्कार होता था, जिनको बाद में इस प्रक्रिया में जोड़ना होता था, उस साक्षात्कार के लिए जो लोग बैठते थे, तो मुझे भी उसमें बैठने का सौभाग्य मिलता था। और उनकी जो टीम आती थी, साक्षात्कार करती थी, पहला लेयर जो पार होता था, बाद में एकनाथ जी स्वयं उनसे बात करते थे। और मैं देख रहा था कि उस पूरी प्रक्रिया से जब एकनाथ जी को कोई भी नौजवान मिलता था, तो उसे लगता था बस अब घर वापस यहीं से नहीं जाना, यहीं से चला जाना है, एकनाथ जी ले जाओ मुझे, मैं आप जो कहेंगे कर दूंगा। मैं समझता हूं ये अपने आप में, ये अपने आप में बहुत बड़ी उनकी सिद्धि थी। स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन का निर्माण किया, उसी आदर्शों और विचारों की परिपूर्ति के लिए एक नया प्रकार, और वो भी रामकृष्ण मिशन की सारी प्रवृत्तियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के। वरना कभी कभार एक ही प्रकार से दो संस्थान आमने सामने हो जाते हैं या पैरेलल चलने लग जाते हैं। एकनाथ जी को लक्ष्य पे इतना बड़ा श्रद्धा थी कि वे मींस के विषय में ऐसी कोई चीज पसंद नहीं करते थे जिसके कारण अंतिम जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कोई चोट पहुंचे, और ये काम को वो लगातार करते रहते थे। उनका उदार मन भी रहता था, वो परफेक्शनिस्ट थे। आप में से सबने उनका परफेक्शन का स्वभाव कैसा है बड़ी बारीकी से देखा होगा, और सादगी कैसी थी। इतना बड़ा शिला स्मारक बनाया, अरबों खरबों रुपए का शिला स्मारक बनाया, लेकिन एकनाथ जी स्वयं वहां जिस कमरे में रहते थे, उसकी छत टीन की छत थी, एक कमरा था उसी में रहते थे। वरना इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, अरबों खरबों रुपए लगे हैं, वे भी अपने लिए एक अच्छा बढ़िया सा मकान वहां बना सकते थे, छोटा बंगलो बना सकते थे, उसमें रह सकते, और दुनिया कभी उसको बुरा नहीं मानती। लेकिन उन्होंने आखिरी अंत तक उसी छोटे से कुटिया में, मैं कहूंगा वो कमरा भी नहीं था, कुटिया थी, टीन के छत थी, आप में से जो लोग उनसे परिचित थे वो भली भांति जानते हैं, उसी में रहे। यानी सपना पूरा करने के लिए सब कुछ करना, अपने लिए कुछ न करना, ये उन्होंने जीवन भर जी करके दिखाया। और परफेक्शनिस्ट के नाते तो मैं नहीं मानता हूं, हम पूरे संघ परिवार में उनकी बराबरी में कोई हो सकता है। वे कागज हो तो कैसा हो, इसमें भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते थे। एक बार गुजरात में आरएसएस का शिविर था, वो आए थे, तो एक परिवार में हमने उनका ठहरने का प्रबंध किया था। उस परिवार में वो सेट ही नहीं हो पाए, डिस्टर्ब रहते थे, 3 दिन रुकना था। और कमरे में जब जाते थे तो भी उनकी नजर वहां जाती थी, बाहर निकलते थे तो भी वहीं जाती थी। तो मैं पहले 2 दिन तो मिल नहीं पाया, लेकिन 3रे दिन मैं उनके पास गया। मैं कहा एकनाथ जी कैसा रहा, कोई कठिनाई तो नहीं हुई वगैरह, क्योंकि हम बड़े शिविर में लगे थे और वो रात को वहां रुकते थे और दिन में शिविर में आते थे। तो बोले ये जो ट्यूबलाइट है ना, ये टेढ़ी लगती है। वो जब तक घर में थे, उस परिवार के पास उस ट्यूबलाइट को उन्होंने ठीक नहीं करवाया, तो अब तक वो चैन से बैठे नहीं। मुझे बराबर स्मरण है, परम पूज्य गुरु जी का स्वर्गवास हुआ, रात को 9:05 पे परम पूज्य गुरु जी ने अपना देह छोड़ा।
बाद में मुंडिया को सूचना करनी थी। अब रात को आज समय बदल चुका है, आज तो रात को 11 बजे खबर दो तो भी खबर पहुंच जाती है, टेक्नोलॉजी इतनी अपग्रेड हुई है। अब उस समय 9 बजे हुआ तो ये आवश्यक था कि भी जल्दी से जल्दी मीडिया को जानकारी दी जाए आगे का अंत्येष्टि कब होगी, कैसे रहेगा सारा। तो उस समय एकनाथ जी नागपुर में मौजूद थे, पूज्य गुरु जी ने जब अपना देह छोड़ा तो उनको कहा गया कि एकनाथ जी जरा ड्राफ्ट बनाइए। अब आप कल्पना कर सकते हैं गुरु जी के प्रति एकनाथ जी की श्रद्धा, उनका समर्पण भाव, समय की पाबंदी, देश और करने के लिए बैठे, 5-6 लाइन। उस समय तो कंप्यूटर था नहीं, टाइपराइटर करे तो भी वो बात बनती नहीं थी, उनके अक्षर बहुत छोटे और बहुत अच्छे अक्षर हैंडराइटिंग थे उनके, लिखते थे 3-4 लाइन लिखते थे, फिर उनको लगता थे ठीक नहीं तो कागज फेंक देते थे, फिर 5-7 लाइन पर पहुंचते थे, फिर कोई अच्छा नहीं था कागज, करीब 8-10 कागज परफेक्शन नहीं आने के कारण। और उधर सब परेशान थे, एकनाथ जी वो मीडिया में देर हो रही है, जल्दी कीजिए। खैर एकनाथ जी का परफेक्शन का नेचर इतना इतना हावी था कि वो नहीं कर पाए। और मुझे याद है आबाजी थत्ते ने उनसे वो कागज छीन लिया और उन्होंने कहा आपने जो किया है वो परफेक्ट ही है, मैं भेज देता हूं, और उन्होंने भेज दिया। यानी उनका ये जो कहीं पर भी एक शब्द इधर उधर न हो जाए, ये इनकी इनकी विशेषता रही। उनकी डायरी मैं मुझे बस मालूम नहीं उनकी डायरी को रखा गया कैसे रखा गया है, डायरी लिखने की बिल्कुल अलग सी पद्धति थी। नॉर्मली हम जैसे डायरी लिखते थे वो ऐसे नहीं लिखते थे, बहुत ही अलग तरीका था। मिलने वाले व्यक्ति, उनसे हुई बातचीत और उसमें से काम में आने वाली अपने जीवन में उपयोगी बात, उसको वो छांटते थे और उसको अपने डायरी के कोने में लिख के रखते थे। और मुझे नहीं लगता शायद कितने ही कठिन परिस्थिति क्यों न हो उन्होंने डायरी अपनी छोड़ी हो, इतने परिश्रमी इतना जीवन। लेकिन एक और बात थी, वे कभी बीमारी सहन नहीं कर पाते थे, थोड़ी सी भी बीमारी से वो इतने डिस्टर्ब हो जाते थे, बहुत परेशान हो जाते थे और अगल बगल वालों को भी परेशान कर देते थे। वो अपने आप को यानी वो बहुत ही अनकंफर्ट हो जाते थे। कभी कभी मुझे लगता था कि उस समय एकदम से वो बालक अवस्था में हो जाते थे, क्योंकि मैंने उनके निकट इस प्रकार से रहा हूं, इसलिए मैं उन बातों को आज मेरा मैं जब यहाँ आ रहा था तो मन कर रहा था कि मैं और कोई भाषण करने के बजाय मैं ही कुछ पल के लिए एकनाथ जी को जी लूं और उस जीने के भाव से मेरे हृदय से बातें निकली हैं। लेकिन जो बात उनकी श्रद्धा युवकों में थी, जो बात विवेकानंद जी ने कहा था कि मुझे 1000 युवक मिल जाए मैं दुनिया में ये कर सकता हूं, इनके मन में था कि विवेकानंद जी के सपनों वाले युवक कैसे तैयार करें और उसी में वो लगे रहे। आज नॉर्थ ईस्ट के अंदर इतना साइलेंटली जन सामान्य के जीवन में बदलाव लाने का काम करने में विवेकानंद केंद्र ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है, बहुत बड़ी भूमिका। एकता के साथ साथ इन कठिनाइयों के बीच भी हम देश के लिए कुछ कर सकते हैं, देश के लिए जी सकते हैं, ये भाव पैदा करना। अच्छे से अच्छे परिवारों में पैदा हुए नौजवान, सुख संपन्न जीवन में पले भरे नौजवान, एकनाथ जी के कहने पर नॉर्थ ईस्ट के जंगलों में अपनी जवानी खपा देने लग गए। ये छोटी चीज नहीं है। और कभी कभार